तो भाई हो गया सब सभी। अभी कुछ और लीक्स निकल कर आए हैं भाई क्रेटा 2024 के। ये फोटोज काफी वायरल हो रही है, आपने देखा ही है। तो फ्रंट के लुक्स देखो यार, काफी ऑसम सी लग रही है। सामने से अपने डीएल्स देख रहे हैं, मुझे छोटे छोटे वाले काफी प्रीमियम भी लग रहे हैं। ग्रिल के अंदर अपने हुंडई का लोगो और पियानो डार्क क्रोम के साथ अपने को ग्रिल देखने को मिल जाती है। सेंटर के अंदर अपने को हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, काफी प्रीमियम से लग रहे हैं। दो यूनिट देखने को मिल जाती है, फॉग लैंप की कोई प्लेसमेंट नहीं है, ना ही फॉग लैंप मिलेंगे। और इंडिकेटर अपने को ओनली ब्लिंक होते हुए देखने को मिलेंगे, ना कि स्वाइप इंडिकेटर है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साइड अपने को काफी प्रीमियम से नजर आती है। 16 या 17 इंच के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। क्रोम में डार्क डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर ओवर में भी अपने को इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई काफी चीजें काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बोनेट अपने को पुराने जैसे मिल जाता है। और रियर देखो यार कितनी प्रीमियम से लग रही है, प्रीमियम से लग रही है। एसएक्स की बैजिंग, क्रेटा की बैजिंग, हुंडई अपने टेल लाइट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और स्वाइपिंग इंडिकेटर यहाँ भी नहीं है टेल लाइट में, और यहाँ ओनली ब्लिंक होते हुए देखने को मिल रहे हैं अपने को। तो ये चीज चेक करो यार, नीचे अपने को रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाता है। सेंटर के अंदर काफी प्रीमियम सा लग रहा है। और भाई अब आगे की फोटोज देखेंगे, काफी प्रेम से लगती है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें ना तो भाई क्या ही बोलने यार, काफी प्रीमियम सा लग रहा है इंटीरियर, वो दिखाता हूँ। देखो इंटीरियर की बात करें तो डोर गत्ता देखने को अपने को देखने को मिलता है, पुराने जैसा देखने को मिलता है। इंटीरियर में काफी प्रीमियम चीजें देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और सेंटर कंसोल प्लस जो अपने को मीटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो दोनों की यूनिट कट्टी देखने को मिल जाती है, कट्टी देखने को मिल जाती है। और 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे अपने को। और बीच में जो ये क्लस्टर है, क्लस्टर अपने को देखने को मिल जाता है भाई, अल्काजार वाला ही मान लेते हैं। और काफी प्रीमियम साइंट इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स है। रूफ की बात करें तो भाई ओवरव्यू में भी अपने को एसओएस की बैजिंग, एसओएस बटन देखने को मिल जाता है। रूफ अपने को पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, काफी बड़ी सनरूफ देखने को मिल रही है भाई, पैनोरमिक सनरूफ है। और अभी बात है अपनी यहाँ जैसे इंटीरियर में, हेडरेस्ट अपने को देखने मिल जाते हैं 500x500 एडजस्टेबल वाले। और सेंटर कंसोल में जो एसी के वेंट्स काफी प्रीमियम से लग रहे हैं, पतले पतले, और इनकी यूनिट ना काफी अच्छी सी लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव सी लग रही है। और जो अपने भाई सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है, बटन्स काफी प्रीमियम लग रहे हैं। इस तरीके का अपने को गियर नॉब देखने को मिल रहा है भाई, एक बार चेक करोगे आप। और 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिल रहा है। रिवर्स अपने को पुराने जैसा ही, मतलब उसी तरीके से लगने को देखना जैसे हुंडई में लगता है। तो भाई लुक्स देखो काफी प्रीमियम नजर आ रहे हैं। और फिजिकल बटन टाइप ही देखने को मिल जाते हैं अपने सेंटर में, एसी कंट्रोल्स भी। ओके तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं जाना।